الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين आखिरी अशरे की बात करते करते सत्रह रमज़ान की वजह से कुछ बदर की बात आ गई थी तो मेरी गुजारिश यह है कि मैं तो यहाँ मुख्तसरी अर्ज़ कर सकता हूँ इसको आप तफसील से ज़रूर पढ़ें सीरत में बदर का पूरा वाक़ बल्कि पूरी सीरत पढ़ें तो आखिरी अशरा शुरू होने वाला है इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं एक शब कदर और एक एहतिकाफ शब क़दर पाँच रातों में घूमती है एक सत्तिस की रात ही शब कदर नहीं हमारे पूरे मुल्क में सतईस की रात इस तरह मनाई जाती है जैसे यही शब कदर है हालांकि इसको अल्लाह ने घुमा दिया है कभी ये इक्कीस में होती है कभी तेईस में होती है कभी पच्चीस में होती है कभी सताईस में होती है कभी यह उनतीस में होती है इसको अल्लाह ताली ने ऐसे मुतन नहीं किया है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वम तशरीफ ला ला रहे थे शब कदर बताने के लिए तयन के साथ मुतिन होने के साथ कुछ दो आदमी आपस में लड़ रहे थे तो आपने फ़रमाया कि मैं आया था तुम्हें बताने शब कदर लेकिन इनकी लड़ाई की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे वो उसको भुला दिया है लिहाजा अब तुम तो उसे पाँच रातों में तलाश करो और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने उसे इसमें गुम कर दिया अगर अल्लाह ताला उसको मुतन करके बता देते और आगे आने वाले ज़मानों में तो पता है कि शब कदर में लो भी लोग शराब भी पियएंगे जना भी करेंगे तो फिर ऐसी अल्लाह की पकड़ आती कि शायद हम बंदर और खनज़ीर बना दिए जाते तो अल्लाह तैसे वो दस्तर ख़ान उतरा ईसा इस इस्लाम की कौम ने कहा दस्तर खान उतारो ईमान सो ईसम ने कहा अल्लाह दस्तर ख़ान उतार तो अल्लाह ताला ने फरमाया उतार तो दूंगा लेकिन फिर कोई ईमान ना लाया तो वो अज़ब दूंगा कि सब देखेंगे तो दस्तरखाना उतारा फिर भी लोग ईमान नहीं लाए सिवे थोड़ो सिवाय चंद देख के तो अल्लाह ने बाकीयों को खनजीर बना दिया तो शब कदर मुतन होती और लोग शराबें पी रहे होते जुआ खेल रहे होते नाच गाना कर रहे होते तो पत्थर बरसने या बंदर खनज़ीर बनना मुमकिन है ऐसा हो मुमकिन है तो अल्लाह के अल्लाह ताला ने अपने नबी की तोफ़ैल उसको पाँच रातों में घुमा दिया एक तो पाँच रातें जागने से चार रातों की इबादत और मिल गई और एक शब कदर मिल गई और आ, दूसरा अल्लाह की रहमत हुई कि उसको छुपा रहने दिया ताकि उसकी नाकदरी ना हो लोगों को पता भी ना हो नाकदरी ना हो आखिरी अशर मफफ़रत का है पहला रहमत दूसरा मफफरत और तीसरा गुनाहों से जहन्नुम से आज़ादी आखिरी अशर जहन्नुम से आज़ादी का है नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वम सारी ज़िंदगी एतकाफ़ बैठे आखिरी अशरा में बदर की जंग सत्रह को हुई तो वापसी तक रमज़ान गुज़र गया आ, तो नहीं बैठे फतह मक्का रमज़ान में हुआ तो ये दो साल आप मदीना से बाहर थे बाकी आठ बरस आप मदीना में थे अहतक फरमाया आखिरी दस हिजरी में जब ग्यारह रबी ग्यारह हिजरी बारह रबील आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए दस हिजरी आपने बीस दिन का अहतक फरमाया और जुबरील के साथ कुरान का दौर दो दफ़ा फरमाया एक दफ़ा आपने रमज़ान में किसी वजह से एतकाफ़ अपना मुलतवी फरमाया कैंसल फरमाया तो वे शवाल में दस दिन आप दोबारा एतकाफ़ में बैठे एतकाफ़ का मौजू आकाफा कहते हैं मुड़ जाना फिर जाना पलट जाना तो एतकाफ का मतलब है कि इस तरह यकसू होकर के बैठना कि दिल अल्लाह की तरफ़ फिर जाए दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए तो इसलिए दस दिन मस्जिद के अंदर रहना और सिर्फ़ अल्लाह से राज़ो व न्याज और अल्लाह के ताल्लुक बनाने की कोशिश करना अल्लाह का फजल है हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से तकाफ़ में लोग बैठते हैं जब रमज़ान गर्मियों में नहीं था तो जाना होता था हर में तो माशा जगह ही नहीं मिलती थी बैठने की इतने एतकाफ़ करने वाले लोग होते थे जब जब कोई चीज़ रस्म बन जाती है तो उसकी रूह निकल जाती है रूह निकल जाती है एतकाफ़ का मतलब है ख़लवत में अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाना लेकिन जब वो एहतकाफ़ ही एक मजलिस बन जाए और एहतकाफ़ भी एक भीड़ बन जाए तो वो अहतकाफ़ नहीं रहता ना उसका वो मकसद पूरा होता है और ना उसका वो अजर मिलता है जो इस पर रखा गया है कि एक दिन का एतकाफ़ जहन्नम से तीन खंदक दूरी है और एक खंदक का फ़ासला ज़मीन आसमान के बराबर है तो एतकाफ़ का सही फ़ायदा तब है जब आप बैठने से पहले उलमा से पूछ लें कि कैसे बैठना है क्या तरीक़ा है हाँ मैं मसाइल तो इतनी तफसील से यहाँ नहीं बता सकता कोई इतने लम्बे चौड़े मसाइल हैं भी नहीं मस्जिद की पाबंदी करनी है मस्जिद से बग़ैर ज़रूरत के निकलेंगे तो अहतक ख़त्म हो जाएगा बस इतनी सी बात है हाँ एक चीज़ जो एहतक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है वो ये मोबाइल फ़ोन है अब हम जा रहे हैं कि हमारा और अल्लाह का ताल्लुक़ क़ायम हो जाए और मोबाइल ने तो ज़िंदियाँ ख़राब कर दी हैं निजी ज़िंदियाँ ख़राब हो गई हैं ताल्लुक़ ख़राब हो गए हैं और सेहतें ख़राब हो गई हैं बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है हमारी कौम में मैं इतना फिरा हूँ यूरोप अमेरिका में सिवाय ज़रूरत के कि कभी किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखा यहाँ देखो हाथों में मोबाइल पकड़ दो दो मोबाइल पकड़ के चल रहे हैं कोई कारोबारी भी नहीं है कोई बड़े ज़्यादा मसरूफ़ भी नहीं है दो दो तीन तीन मोबाइल रखे हुए इस कदर हैं इस क़दर अहमकाना हरकतें हैं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुनते जा रहे हो ओ, 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 मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त इस हादसे का शिकार हुआ कि सामने वाला वो ये तो अपनी सही लाइन पे जा रहा था वो इस पे चढ़ गया उसका तो खेल रहा और मेरे एक दोस्त कीमती की जान चली गई तो हमारे यहां हम बहुत बेहती है तो कम से कम ये दस दिन आप मस्जिद में जा रहे हैं मोबाइल घर छोड़ के जाएं लैपटॉप घर छोड़ के जाएं और कई वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं भाई तू एतकाफ़ ना बैठ घर जाके बैठ जा और मोबाइल पे लगे होते हैं लैपटॉप साहब लेके जाते हैं वहाँ कारोबारी सिलसिले चल रहे होते हैं ये काम तो आप सारा साल करते ही रहे हैं ये दस दिन इससे फारे किए जा रहे हैं कि मैं हूँ और अल्लाह हो जब तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता इस तरह अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन जाए इस तरह अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब हो जाए कि फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह हो हर वक्त हाँ वही फजल्लाफज का अह फजल्ला तजिद हो तुझा हक अपने अल्लाह को अपने सामने रख अल्लाह तुझे हर वक्त अपने सामने रखेगा हा तू हम तो हैं ही अल्लाह के सामने हर वक्त अल्लाह को तो अपने सामने पाएगा तो एहतिकाफ़ इत, में भीड़ और रंग बिरंगे खाने और लंबे चौड़े दस्तर खान और बेहिसाब इफ्तारी सहरी ये सारी चीज़ें उसकी रूहानियत को ख़त्म करने मैं ये नहीं कहता कि इसका अजर ने। अजर इन मिलेगा लेकिन एक नौजवान माशाल्लाह अक्सर नौजवान और ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में तो सैकड़ों लोग इकट्ठे माशातकॉ में बैठे हुए होते हैं थोड़ी जो जो भाई एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं ये मेरी चंद गुजारशात को ज़रूर सामने रखें मोबाइल ले कर ना जाए लैपटॉप ले कर ना जाए वहाँ ज़्यादा फजूलियात बेशक अल्लाह के दिन की बातें करें भी सही सुने भी सही दावत दें दावत सुने तालीम में, में बैठें लेकिन फजूलियात में ना लगें ज़्यादा वक्त दुआ में लगें और एहतक वाले के लिए ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है अगर ये सोया भी हो तो इसकी इबादत का ही लिखा जाता है इसका खाता इसका सोना भी इबादत इसका खाना भी इबादत इसका वहाँ आराम करना भी इबादत लोग रात को जागेंगे तो उनका जागना लिखा जाएगा लेकिन ये एतकाफ़ में सोया भी है तो इसका जागना लिखा जाएगा और पांच रातों में एक रात तो शब कदर है ही तो इन ज़रूर नसीब हो जाएगी तो ये चंद एक थोड़े एहतियातें हैं अगर एतकाफ़ में बरत ली जाएँ तो हमें अल्लाह का तल्लु नसीब हो मस्तूरात खातन जो घरों में एतकाफ़ बैठती हैं तो वो एक कमरा होता है एक कमरे को वो मुतन कर लिया जाता है उसी में वो रहती हैं उससे बाहर नहीं निकलती उसी में उन्होंने दिन गुजारना होता है वो दस दिन गुजारें तीन दिन गुजारें जितने दिन की बनीत करें अल्लाह के महबूब सल्ला वम हमेशा दस दिन का अहतक़ फ़रमाते थे पर एक दफ़ा बीस दिन का फ़रमाया और इसमें शब क़दर है जो ललतुल्कद्र खर उम्मन अल्फ शहर एक दफ़ा आप तशीफ़ फरमा थे और आपने बनसराइल के चार अम्बिया का जिक्र किया जिन्हें अस्सी साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया तो सहाबा ने कहा बड़े गम से अल्लाह हमारी तो उम्र ही अस्सी साल नहीं होती तो अल्लाह ने उसी वक्त आयत उतारीद्र खमिनफ शहर इन्ना अनसल ना होफ़ी ले लतरी वमा अदर कमा लई लतल़द्रई लतल़द्र ख़र उम्मिनफ शहर कि मेरे महबूब मामा आप की को एक रात देते हैं जो अस्सी साल से ज़्यादा बेहतर है हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है तो हज़ार महीने तो अस्सी साल से भी ज़्यादा बन जाते हैं तो कोई ख़ातून कोई मर्द कोई औरत कोई बच्चा बच्ची बूढ़ा जवान, एक रात वो पाँच रातें आज कल तो हमारे बच्चे सोते ही नहीं हैं ऐसे वो कंप्यूटर उल्टे चल गए हैं कि रातों को जागते हैं दिन में सोते हैं तो ये इक्कीस तेईस पच्चीस तेईस उनतीस पाँच रातें अगर जाग लिया जाए कुछ कुरान पढ़ लें कुछ तिलावत कर लें कुछ जिक्र कर लें कोई नमाज़ पढ़ लें कोई दुआ मांग लें एतकाफ़ में दुआओं का अहतमाम किया जाए अपने लिए मांगें अपने घर के लिए मांगें अपने शहर के लिए मांगें अपने सूबे के लिए अपने मुल्क के लिए पूरी उम्मत के लिए पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सारी दुनिया के इंसान सात सौ करोड़ इंसान हमारे इंसानी भाई हैं हमें उनके कुफर से नफरत है उनकी जत से नहीं हमें उनके जुर्म से नफरत है उनकी जत से नहीं हमें मुशर के शिरक से नफरत है उसकी जात से नहीं हमें शराबी की शराब से नफरत है उसकी जात से नहीं हमें जालिम के जुल्म से नफरत है उसकी जात से नहीं अल्लाह इन सबको हिदायत दे दे ये जन्नत में चले जाएँ तो हमारा इसमें क्या नुकसान है वो जन्नत में जाएंगे अल्लाह के नबी खुश होंगे अल्लाह भी खुश होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे तो इसमें हमारा क्या नफ़ा है तो हम तो सब के की हिदायत की नीयत करें और सब के लिए दुआ मांगें फिर जिनके मुकदर में नहीं है तो ख़ुद ही अल्लाह का गैबी नज़ाम उनको साफ़ कर देगा जिनके मुकदर में है अल्लाह ताला ज़रूर उनके लिए खैर के फैसले फरमाए तो दुआओं का अहतमाम किया जाए और ख़ास तौर पर इस मुल्क के लिए यह हमारा देश है हमारी हमारी पना है लेकिन हमारे अपने हाथों ये लुट गया है पिट गया है साजशें हैं फां की साजिश फलं की होती होंगी साजिशें दुनिया साजिशों की जगह है और दुनिया मकर फरेब की जगह है लेकिन मैं तो यही कहता हूँ तो इधर उधर की ना बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा मुझे जनों से गिला नहीं तेरी राहबरी का सवाल है दिल के फफोले जल उठे सीने के दाव से इस घर को आग लग गई घर के चराव से पूरे मुल्क की बदद्यांती किसकी साजिश है पूरे मुल्क में झूठ ये किसकी साजिश है पूरे मुल्क में जुल्म ितम कतल गारत यह किस की साजिश है पूरे मुल्क में फिरका वारियत की नफरत ये किसकी साजिश है पूरे मुल्क में जिना के अड्डे ये किसकी साजिश है पूरे मुल्क में जुए शराब के अड्डे ये किसकी साजिश है दफ्तरों में रिश्वत बदवानियाँ यह किसकी साजिश है ज़मीनों पर कब्ज़े ये किसकी साजिश है अदालत का बिक जाना वकीलों का बिक जाना ये किसकी साजिश है सियासतदानों का बिक जाना ये किसकी साजिश है तमाम तबका ओलमा का बिक जाना ताजरों का बिक जाना ज़िम्मेदारों का बिक जाना किसकी साजिश है हे अपने ही लगाए हुए जख्म है इस मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें अल्लाह के नबी भी मक्के के लिए दुआ फरमाई मदीना के लिए दुआ फरमाई, अंसार के लिए दुआ फरमाए अपने ख़ानदान कबीले के लिए दुआ फरमाए औलाद के लिए दुआ फरमाए तो दुआओं का अहमाम फरमाएँ बहुत बड़ी इबादत है दुआ बहुत बड़ी इबादत है दुआ और दुआ का तरीक़ा ये नहीं रब रबाना आते फिर दुनिया दुआ का तरीका ये है कि पहले अल्लाह की तारीफ़ करें फिर अल्लाह के नबी पर सलाम पेश करें फिर अल्लाह से बातें करें बातें, बातें। बात करें या अल्लाह तुझे तो पता है मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ ये हुआ मेरे देश के साथ ये हुआ मेरे सूबे के साथ ये हुआ हमारे साथ हमें ये मुसीबत पेश आई ये मुश्किल पेश आई और तेरे सिवा कोई करने वाला नहीं अल्लाह से बातें करो मिन्नत करो खुशामद करो ये दुआ का वो तरीका है जो मेरे अल्लाह को पसंद है हम शुरू हो जाते हैं रबा ना आते ना फ़िर दुनिया कुछ रटी रटाई बातें हैं एक बात याद रखें दुआ अल्फाज का नाम नहीं दुआ कैफियत का नाम दुआ अल्फाज का नाम नहीं दुआ कैफियत का नाम हमारे माहौल है जी मेरे लिए यहीं दुआ कर दें मेरे लिए हाथ उठा दें मेरे लिए हाथ उठा दें हा हाथ उठवाए नहीं जाते वो दुआ दुआ करवाई नहीं जाती दुआ ली जाती वो अंदर की कैफियत का नाम दुआ है फिर वो पश्तो में हो पंजाबी में हो सिंधी में हो सराकी में हो बलूची में हो बरोही में हो बल्तिस्तानी में हो गिली में हो किसी भी जुबान में हो अगर वो कैफियत है तो अर्श को चीर के पार निकल जाएगी